अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुड बैटिंग्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर है तो जहाँ से आप बैकलिंक ले रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी आप चेक कर सकते हैं एचरेफ्स और मोज के जरिए। तो वेबसाइट की जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी उतना ही ज़्यादा बैकलिंक पावरफुल होगा। उसके बाद ट्रैफिक, जो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स होती हैं उनकी ट्रैफिक भी होती है। अगर किसी वेबसाइट के बैकलिंक ज़्यादा हो लेकिन उसकी ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर हो तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो स्पामी वेबसाइट है। उसके बाद प्लेसमेंट, अगर बैकलिंक फुटर या साइड बार में हो तो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। जिन बैकलिंक्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है वो कंटेंट के अंदर होते हैं और रेलिवेंट कंटेंट के अंदर होते हैं। उसके बाद डू फॉलो और नो फॉलो। अगर बैकलिंक डू फॉलो हो तो वो ज्यादा मैटर करता है, लेकिन नो फॉलो जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो अगर नो फॉलो है और आपको पैसे वगैरह देने पड़े तो अवॉइड करें। उसके बाद जो बैकलिंक्स हैं उनका एंकर टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किन वर्ड्स के जरिए आगे बैकलिंक दे रहे हैं आपको। तो उम्मीद है आपको नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह।